तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ू तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ू तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे विचार दूर से तू समझ लेता है, मेरे मुँह की बात को तू पूरे जानता है। मेरे विचार को दूर तू समझ लेता है, मेरे को तू पूरे जानता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। इसलिए तेरा भय मानना तू सिखा दे, पापों से दूर रहना तू सिखा दे। इसलिए तेरा भय मानना तू सिखा दे, पापों से दूर रहना तू सिखा दे। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। और गीत गाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम कहीं भी हो हम आपको पुकार सकते हैं और आप हम में से किसी से दूर नहीं। प्रभु आप हमारे एकदम निकट हो, हम मन में प्रभु सोचते हैं वो भी आप जान लेते हैं।
प्रभु परमेश्वर आपने हमें आगे पीछे घेर कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, कोई भी जगह से कोई भी बच्चा आपको पुकार सकता है और प्रभु आप तुरंत उसकी सुनकर पाप क्षमा करते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं आप बल देते हो। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप सबसे सहज से मिलने वाली सहाय हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु ये बच्चों के क्लास में आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे आपका अनुग्रह पाने के लिए विश्वास से हम झुके हैं। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमारे आत्मा प्राण शरीर के ऊपर विश्वास से हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, इधर उधर हमारे मन ना भटके, लेकिन आपके वचन की ओर हमारे वचन हमारे मन प्रभु जी लगे रहे। और हम प्रार्थना करते हैं जो आप हमको सिखाना चाहते हैं अच्छी तरह से हम सीख सके। प्रभु परमेश्वर, आपके आत्मा की सहायता हम विश्वास से चाहते हैं। अंधकार की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बांधते हुए इस नम्र प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमेन। शायद आपने ये गीत जो अब हमने गाया शायद पहली बार सुना होगा, हम फिर एक बार आपके लिए गाएंगे ताकि आप हमारे साथ इसको सीख लो। और बहुत ही अच्छा गीत है, अर्थ से भरपूर गीत है, इसलिए आप उसको सीखने की कोशिश करो। और यदि आप कहाँ से ये गीत मिला आपको ऐसा पूछते हैं तो भजन 139 अध्याय साम 139 उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। सो कृपा करके आप उसको भी पढ़ लेना तो आप जानोगे कि कैसे परमेश्वर हमको आगे पीछे घेर कर रखता है, समझे। इसलिए शैतान हमसे कुछ नहीं कर सकता, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। आइए हम गाएंगे उसको फिर एक बार। सॉन्ग नंबर 77। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ू तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ू तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊँ। मेरे विचार दूर से तो समझ लेता है, मेरे मुँह की बात को तू पूरे जानता है। मेरे विचार को दूर से समझ लेता है, मेरे मुँह
दिनों के बाद को तू फिर जानता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। इसलिए तेरा भय मानना तो सिखा दे, पापों से दूर रहना तो सिखा दे। इसलिए तेरा भय मानना तो सिखा दे, पापों से दूर रहना तो सिखा दे। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हम कहीं पर भी जाए, जो कुछ भी करे, हमारा प्रभु हमको देखता है। इसलिए आप जानते ना अखान की स्टोरी, आइए वो गीत हम गाएंगे। अखान took a wedge of gold, silver and a robe we are told. Song number 53. Akhan took a wedge of gold, silver and a robe we are told. Buried them inside his tent, about his business then he went. Jehovah noticed, Jehovah noticed that Achan stole the gold. When we still or disobey, lie or fight or do not pray, someone knows just what we do, where we are and why too. Jehovah noticed, Jehovah noticed, Jehovah noticed, this is all that we do. Once again, फिर एक बार गाएंगे, यही गीत को गाएंगे, गाइए हमारे साथ और जरा जोर से गाइए। Achan took a wedge of gold, silver and a robe we are told. Buried them inside his tent, about his business then he went. Jehovah noticed, Jehovah noticed, Jehovah noticed that Achan stole the gold. When we still Lord disobey, lie or fight or do not pray, someone knows just what we do, where we are and why too. Jehovah noticed, Jehovah noticed, Jehovah noticed, this is all that we do. सभी याद रखना, जहाँ कहीं आप जाते हो, जो कुछ करते हो, कोई न कोई तो आपको देखता ही है, विशेष करके कौन? प्रभु परमेश्वर।
उसकी आंखें प्रभु को कभी चश्मा लगाना पड़ता है नहीं, सब कुछ दिखता है उसको, उजियाला में दिखता है, अंधियारे में दिखता है। अकेले होते तब वो देखता है, दूसरों के साथ हम होते हैं तभी भी वो हमको देखता है। हम उसकी दृष्टि में इतने बहुमूल है, इतने बहुमूल है, वो हमारे ऊपर से अपनी आँख ले लेता नहीं है, हमेशा हमको देखते रहता है। कैसे हमको सहायता करे, कैसे हमारे दुखों को दूर करे, कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ये सारी इच्छा रखकर परमेश्वर हमारी ओर देखते ही रहता है ना। इसलिए आप याद रखिए, मेरा प्रभु मुझे देखता है। और एक गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 65 हिंदी में, मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूं वो तो सब कुछ देखता है। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो सब कुछ देखता है। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो सब कुछ देखता है। पाप में ना करो, झूठ में ना बोलो, प्रार्थना ना छोड़ो, प्रभु को दुखी ना करो। पाप में ना करो, झूठ में ना बोलो, प्रार्थना ना छोड़ो, प्रभु को दुखी ना करो। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो सब कुछ देखता है। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो सब कुछ देखता है। बाइबल मैं पढ़ूं, आज्ञा में मानूं, अच्छा बालक हो प्रभु की महिमा मैं करूं। बाइबल मैं पढ़ूं, आज्ञा मैं मानूं, अच्छा बालक हो प्रभु की महिमा मैं करूं। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो सब कुछ देखता है। मेरे नन्हे हृदय में यीशु रहता है, जो भी मैं करता हूँ वो तो है। उसके जैसा ही दूसरा एक गीत है, सॉन्ग नंबर 66, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय की ओर देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय की ओर देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय की ओर देखता है। कवर से अधिक अंदर की भेद जैसे महत्व की है, कवर से अधिक अंदर की भेद जैसे महत्व की है, वैसे बाहर के रूप से हृदय महत्व का है। वैसे बाहर के रूप से हृदय महत्व का है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय की ओर देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय की ओर देखता है। सॉन्ग नंबर 69, आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा, प्रभु यीशु ने ये कहा। और हम गाएंगे उसका पहले दो चरण गाएंगे, पहले दो चरण।
आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने ये कहा, हथौड़ा जैसे पत्थर तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। हथौड़ा जैसे पत्थर तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। नम्र मनुष्य को बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। नम्र मनुष्य को बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने ये कहा, आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। जो ये वचन में रहेगा, शुद्ध जीवन उसका होगा। जो ये वचन में रहेगा, शुद्ध जीवन उसका होगा। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने ये कहा। बाइबल कोरस गाएंगे, सब अपना बाइबल उठाइए, बाइबल कोरस गाएंगे। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow, if you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. Hindi. Bible padho, karo dua. Bible padho, dua ki tum badhte ja. तुम बढ़ते जा, बाइबल पढ़ो करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ। गुजराती। बाइबल वांचो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बाइबल वांचो, प्रार्थना करो, जेती वता जाओ, जेती वता जाओ, जेती वता जाओ। बाइबल वांचो, प्रार्थना करो, जेती वता जाओ। छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का लेसन हम देखेंगे। हाथ को बांधे, आंखें बंद करें। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, फिर एक बार विश्वास से आपकी ओर ताकते हैं। प्रभु जी, यदि आप हमसे बातें ना करो, यदि आप हमको प्रकाश ना दो, तो प्रभु हम न कुछ समझ सकते हैं, न हमारे दिमाग में, हृदय में कुछ भी उतरेगा। सो प्रभु जी, आपकी सहायता हम मांगते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी को आपका वचन देकर
बच्चों के हृदय को तैयार करे और प्रभु वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करे और हमारे एक एक बच्चे प्रभु जी शुद्ध हृदय वाले आपको मिलने के लिए तैयार हो। प्रार्थना सुने, धन्यवाद को ग्रहण करे, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बच्चों को जय मसीह। सब चंगे हो ना? अच्छा, तो हम दो संडे से, सैटरडे से हम बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं। किसके बारे में सीख रहे हैं? प्रिय बालकों, किसके बारे में हम सीख रहे हैं? राजू का हृदय के बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो हमने पहले सैटरडे क्या देखा था? अंधकार मैं उसका पाप मैं हृदय, ठीक है? याद है ना सब बच्चों को? पाप मैं, अंधकार मैं, हृदय के बारे में हमने देखा था। कितने सारे पाप उसके हृदय में थे, याद है ना प्रिय बालकों तुमको? अच्छा, तो अभी आज तुम देखते हो कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ, कुछ अलग लग रहा है, एकदम अलग लग रहा है, ठीक है? देखो कितना आश्चर्यजनक हम परिवर्तन उस राजू के हृदय में देखते हैं। दिखाई पड़ रहा है ना सबको? हाँ, तो प्रिय बालकों, हम देखते हैं ऐसा ही काम प्रभु, जब हम उसको हमारे हृदय में काम करने देते हैं और उसके वचन को हम सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तब प्रभु ऐसा ही अजायब काम, आश्चर्यजनक काम प्रभु करता है। और हम देखते हैं जब प्रभु का वचन और ये जो कबूतर दिखाया है वो किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब प्रभु का वचन बाइबल और पवित्र आत्मा को हम अंदर आने देते हैं, तब प्रभु एक परिवर्तन लाता है। और ये दो एक वरदान है, एक गिफ्ट प्रभु की ओर से है। और जब हम उसको लेने के लिए हम विलिंगनेस बताते हैं, तो ये दो जो वरदान है, प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा, वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापों से बचाने के लिए आया और अंधकार में से उजियाले में लाने के लिए प्रभु आया और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लाने के लिए इस संसार में प्रभु आया। ये दो वरदान ये हमको सिखाती है। हाँ बच्चों, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अद्भुत काम किया, क्योंकि तुमको सबको मालूम होगा, है ना? प्रभु का वचन रूमी 3:23 में क्या कहता है? सब ने पाप किया है, छोटे हो या बड़े हो, पढ़े हो या अनपढ़ हो, धनी हो या गरीब हो, सब ने पाप किया है
और फिर रूमियों की पत्री 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। इसलिए प्रिय बालको, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता के रूप में, बचावनार के रूप में क्या किया मालूम है बालको? ये पाप की जो शिक्षा थी, मजदूरी थी, क्या थी? मृत्यु। वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले ली। देखो बालको, हमें मरना था, है ना? पाप की शिक्षा, पाप का दंड हमारा पर था, हमें पाप के कारण उस अनंतकालिक मृत्यु सहन करना था अग्नि की झील में। पर परमेश्वर ने वो मृत्यु का दंड या शिक्षा खुद पर ले लिया। कैसा प्रेम! देखो प्रिय बालको, हम एक पद पढ़ने वाले हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन, ध्यान से सुनिए बच्चों। वह आप ही, यानी प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो प्रिय बालको, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुद आप ही हमारे, मेरे पाप, तुम्हारे पाप को अपनी देह पर उन्होंने लिया और क्रूस पर वे मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारी शिक्षा उठाने के लिए चढ़ गए। और कितना भारी दुख और वेदना उन्होंने हमारे लिए सहा। यशायाह 53 में भी लिखा है, हमारे पापों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के लिए उसे मारा दिया गया। इसलिए प्रिय बालको, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी देह में हमें जो मृत्यु सहना था, वो शिक्षा हमारी ऊपर जो थी, वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली। समझ में आया प्रिय बालको? और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस पर वो शिक्षा सह ली, तो हमें क्या करना है? हमें एक बात करनी है। क्या करना है प्रिय बालको? प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है? क्योंकि बाइबल शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी ऊपर ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसमें उद्धार या पापों की क्षमा, पापों की शुद्धता है। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु ने तो जान दे दी, हमारी मृत्यु की शिक्षा खुद पर दी, हमारे हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर पूरे हृदय से नम्र होकर उसके पास आके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रिय बालको, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पाप मान लेते हैं, प्रभु हमारे हृदय में रहने आते हैं। देखा आपने, ये क्रूस भी हृदय में अब शामिल है। और फिर क्या होता है? हम देखते हैं अंदर के जो सब पाप थे वो सब दूर हो जाते हैं। देखो ये सब पाप कहाँ थे? राजू के हृदय में थे, हमारे में भी, हमारे हृदय में भी है। पर जैसे प्रभु मसीह हमारे हृदय में आता है, क्या होता है? ये सब पाप जो है वो बाहर निकल जाता है, भाग जाता है। देखो शैतान भी अब उस अंधकार में
पापमय हृदय के अंदर है? नहीं। क्यों? अभी प्रभु का वचन आया है, पवित्र आत्मा अंदर आया है और प्रभु यीशु मसीह खुद हृदय में आया है। जो प्रकाश ये वचन ने दिया, पवित्र आत्मा ने दिया, ये प्रकाश के सामने ये सब पाप भाग गए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से सब पाप को शुद्ध कर दिया। प्यारे बच्चों, कितना अद्भुत परिवर्तन हम देखते हैं। देखा आपने कितना अद्भुत आश्चर्यकारक परिवर्तन राजू के अंधकारमय और पापमय हृदय में आता है। और फिर प्रिय बालकों, हम देखते हैं कि जो शैतान ने आंख अंधी कर दी थी, आपको मालूम है ना, पहले ही लेसन में क्या किया था शैतान? जो भी बच्चा जन्मता है, अंकल कह रहे थे, शैतान क्या करता है, उनकी आंखें फोड़ डालता है ताकि वो उजाला को न देखे और पाप में ही रहे। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह अंदर आता है और प्रभु हृदय के राज्यासन पर विराजमान होता है, वैसे ही आंखें खुल जाती है। हमारी मन की आंखें एकदम ज्योतिर्मय हो जाती है प्रिय बालकों, और प्रभु हमें एक नई दृष्टि देता है, प्रभु हमें एक नया मनुष्य बनाता है। पुराना जो सब था, सब चला जाता है और प्रभु हमें एक नया मनुष्य, एक नई उत्पत्ति प्रभु हमें बना देता है। और फिर तुमको मालूम था कि जो हमारा विवेक है, हमारा कॉन्शियंस जो है ना, वो कॉन्शियंस पाप करते करते एकदम सुस्त और एकदम कठोर हो गया था। कितने भी पाप हम करें, माँ बाप के सामने हम बोले, चोरी करे, झूठ बोले, हमें कुछ टोचता ही नहीं था। पर अभी प्रकाश अंदर आने से, प्रभु मसीह अंदर आने से, वो जो मरा हुआ सुस्त और कठोर विवेक जो है, वो विवेक जो है, हम देखते हैं वो भी एकदम प्रकाशित हो जाता है। और अब वो विवेक छोटी छोटी बात भी दिखाता है और हमें कायल करता है, देख तूने ये किया, छोटा भी झूठ क्यों ना हो, छोटी भी चोरी क्यों ना हो, और मम्मी के सामने थोड़ा भी क्यों ना बोला हो। एकदम वो प्रेरक हमको, वो विवेक अंदर से हमको प्रिक करता है, टोचता है, और हम देखते हैं ये विवेक भी एकदम जागृत होता है। और अब हम परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, हमको ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम, हमारा विवेक सदैव निर्दोष रहे प्रभु की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में। देखो प्रिय बालकों, कैसा अद्भुत परिवर्तन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापमय हृदय में आता है और हम देखते हैं प्रभु सब पापों को शुद्ध करता है। हम एक पद देखने वाले हैं, आइए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, बाइबल खोलिए बच्चे, बाइबल खोलो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 वचन। सबको मिला? इंग्लिश हो या हिंदी हो या नेपाली हो, गुजराती हो, चलो पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो यानि प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो प्रिय बालकों, जो भी आप सुनते हो,
हमारे प्रभु मसीह कितने अद्भुत हैं। जब हम हमारे पाप कितने भी बुरे ना हो, कितने भी संख्या में ना हो, जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रिय बालकों, नम्र होकर और हमारे पाप को प्रभु के आगे मान लेते हैं, प्रभु मैं ये एक पापी हूँ, मैंने ये पाप किया है, घमंड का पाप, आलस का पाप और झूठ का पाप और जो भी पाप क्यों ना हो, जब हम मान लेते हैं, देखो फिर से हम पढ़ते हैं क्या करते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म, एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, पर सब पाप, सब अधर्म को प्रभु शुद्ध करने, क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। इतना प्रेमी और क्षमाशील हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या कभी भी तुमने तुम्हारे पाप प्रभु यीशु मसीह के आगे मान लिया प्रिय बालकों? नहीं माना हो तो आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सब पाप क्षमा करने, तुम्हारा गंदा पापमय हृदय शुद्ध करने के लिए प्रभु तैयार है। तो प्रभु हमारे हृदय को किस तरह से शुद्ध करेगा? क्या हम बहुत सा सर्फ एक्सेल खा ले तो हमारा पाप शुद्ध हो जाएगा, और ब्रश से हम घिसे तो हमारा पाप शुद्ध हो जाएगा? प्रिय बालकों, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही कहता है, पहला यूहन्ना 1:7 में, देखो उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, वो ही पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका लास्ट भाग में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो क्या हमें शुद्ध करता है? यीशु मसीह का लहू, जो क्रूस पर वो बहुमूल्य लहू, निर्दोष लहू, निष्पाप लहू, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, हमारे पापों के लिए बहाया, प्रिय बच्चों, वो लहू से हमारे सब पाप को प्रभु शुद्ध कर देता, माफ कर देते हैं और फिर प्रभु शुद्ध कर देते हैं और हमें एक क्लेंज्ड हार्ट, एक शुद्ध हृदय, जिसमें प्रभु का वचन है और पवित्र आत्मा वास करता है और प्रभु यीशु मसीह खुद वास करता है। तो प्रिय बालकों, हम आज आपसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें राजू के अंधकारमय हृदय को पहले दिखाया और फिर हम देखते हैं जैसे उसने इच्छा बताई प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने को, थोड़ा ध्यान देने को, पवित्र आत्मा को उसने रजा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह हृदय में आकर प्रभु यीशु इतना आश्चर्यकारक प्रभु ने परिवर्तन किया। तो प्रिय बालकों, क्या तुम्हारा हृदय में, तुम चाहते हो प्रभु यीशु मसीह आए और तुम्हारा हृदय शुद्ध करे? तो ये घड़ी तुम घुटने पर आओ जहाँ भी बैठे हो और प्रभु को कहो, प्रभु ये सब पाप मेरे हृदय में है, ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, मेरे पाप के बदले में आपने मृत्यु की सजा सहन की मेरे बदले में, ओ प्रिय प्रभु, मेरे सब पाप मान लेता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो। उसी घड़ी प्रिय बालकों, उसी क्षण प्रभु सब पापों को दूर कर देता है, प्रभु अंदर हृदय में आता है और हम देखते हैं एक नया जीवन, नई दृष्टि और विवेक भी एकदम, प्रभु उसको एकदम जागृत कर देता है और प्रभु एक नई सृष्टि बनाता है। तो प्रिय बालकों, तुम देर मत कीजिए, प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं और कब हमारी मृत्यु भी हो जाए हमें पता नहीं है,
इसलिए हमें बहुत ही जल्दी ये क्षण हमें प्रभु को कहना है। और फिर जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय में इतना आनंद और इतनी शांति आती है, और फिर हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखो प्रभु ने मेरा हृदय बदल दिया, प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिया, हम सबको बताएंगे। क्यों? अंदर से वो आनंद है, अंदर से वो खुशी है, अंदर से वो नया जीवन चुप नहीं रहेगा। और फिर हम प्रभु के बारे में, उसके प्रेम के बारे में हम सबको गवाही देंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु ने एक आदमी था, बहुत ही उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी दुष्ट आत्माएं की, और प्रभु ने उसे चंगा किया। और जब वो चंगा हुआ और उसका हृदय ऐसा शुद्ध हो गया, तब उसने चाहा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। पर प्रभु ने उसे क्या कहा, जा तू तेरे परिवार के पास जा, तेरे सब लोग के पास जा, और जो दया प्रभु ने तेरे पर दिखाई है, जो अद्भुत काम तेरे जीवन में प्रभु ने किया है, वो सबको जाके बता। और यही काम उस आदमी ने किया। तो प्रिय बालको, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, कई साल से तुम उधार पाए हो पर चुप बैठे हो, तो तुम दूसरों को जाके गवाही देना, तो तुम्हारी गवाही के कारण कई दूसरे बच्चे, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे जो नेबर्स हैं, सब प्रभु के पास आएंगे, उनका हृदय भी ऐसा शुद्ध होकर वो भी आपके साथ स्वर्ग में वारिस पाएंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके जैसा छुड़ाने वाला, बचाने वाला और पाप क्षमा करने वाला और कोई ईश्वर नहीं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन दिनों में आप हमें बता रहे हो कैसे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, कैसे हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद जिन बच्चों को आपने धोया, शुद्ध किया और आपके बेटे बेटियां बनाए, धन्यवाद हो। लेकिन जो बच्चे प्रभु जी आपको नहीं जानते हैं, अभी भी उनके हृदय में पाप भरा हुआ है, प्रभु जी आज आज वो आपको पुकारे और उद्धार पाए, और प्रभु जी सारे पाप उनके हृदय से निकल कर उनको भी शुद्ध हृदय मिले, हमारे हृदय की विनती और प्रार्थना है। वचन के ऊपर आपकी आशीष दो, हमारे प्रभु यीशु का दुख सहना व्यर्थ ना जाए, हमारा एक भी बच्चा प्रभु जी अशुद्ध होकर स्वर्ग से बाहर न रह जाए, सो प्रभु दया करे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुने, धन्यवाद को ग्रहण करे, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। देखिए, आज हम लोग ने देखा पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाश लाया ना जीवन में, और जीवन में प्रकाश लाने के कारण राजू के हृदय में जो पाप था सारा दिखा, उसने मान लिया, निकल दिया। प्रभु यीशु का लहू शुद्ध करता है, वो भी उसको प्रकाश मिल गया। तो बाइबल प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है, ज्योति है, हमको ज्योति देती है। आप में से कितनों को अंधेरा पसंद है, डर लगती ना अंधेरे में, लेकिन ज्योति होने से सब कुछ साफ दिखता है। तो आप लोग को एक हैंडवर्क करना है, क्या हैंडवर्क करोगे, जितने लाइट्स है, जैसे सूरज की ज्योति, एक सूरज बना सकते हैं, दूसरा
अंधेरा होने से आप लोग ट्यूबलाइट रहती है ना, फिर बल्ब रहता है, और तीसरा छोटा छोटा लैम्प होता है, कैंडल होता है, और फिर अभी तो हमारे मोबाइल में भी टॉर्च रहती है, टॉर्च का पिक्चर, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश देते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप बताते जाइए, और फिर प्रकाश का काम क्या है, अंधेरे को दूर करना, ये प्रकाश का काम है। सो आप एक काम कीजिए, सारी बातें ड्रॉ कीजिए, चाहे एक बल्ब, चाहे ट्यूबलाइट, और फिर तीसरा हम देखें लैम्प, चौथा टॉर्च, और कोई लाइट याद आती है आपको, उसको भी आप ड्रॉ कर दीजिए। सारी बातें ड्रॉ करके नीचे या तो ऊपर बाइबल को बता दीजिए, बाइबल ड्रॉ कीजिए, और बाइबल को ड्रॉ करके ये सारी बातें आप बता सकते हैं। और नीचे वचन लिखना है, भजन 119:105, कौन सा वचन लिखना है, भजन 119:105, साम 119:105, गीत शास्त्र 119:105, वो वचन आप नीचे अच्छे अक्षर से लिख करके भेज देना, और ये सुंदर ड्राइंग बना करके आप हमें संडे 4 बजे तक आप हमको पहुंचा दीजिए, ठीक है। याद रहेगा, आप लोग ने बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए, आपका आवाज़ सुनकर, मीठा मीठा गीत सुनकर हमारे दिल आनंद से भर गए, बहुत अच्छी। अभी खाली सब सुने उसके लिए नहीं, आप घर में भी गीत गाते रहना, पढ़ते पढ़ते नहीं गाना, लेकिन काम करते करते, इधर उधर जब खेलते हैं, काम करते हैं, तब आप गीत गाओ। गीत के द्वारा शैतान भागेगा, बहुत भागेगा। गीत गाने वाले बच्चों से शैतान बहुत डरता है, इसलिए आप गीत गाना, ठीक है। और गीत गा के सारा दिन भर जो काम करते हैं, आनंद से, खुशी से आप काम कीजिए, और आपका हृदय और आनंद और शांति से भर जाएगा। सो अभी अगले शनिवार को हम 5 बजे, ठीक 5 बजे मिलेंगे, और दूसरे बच्चों को भी ये लिंक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी प्रभु का वचन सुनने पाए, और एक बार सुन लिया तो और भी दूसरों को आप बताइए। शायद एक बार सुनने में आपको समझ में नहीं आया, आप फिर एक बार सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, तो आप देखोगे आपके हृदय में भी वचन काम करेगा। और दूसरा, इधर उधर का मूवी देखने के बजाय, इधर उधर का गेम खेलने के बजाय, प्रभु का वचन सुनने से आपका हृदय साफ होगा। गेम्स खेलने से कभी थोड़ा ठीक है, खेल लिया 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन घंटों तक गेम खेलते ही रहोगे, एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, समझे। इसलिए थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर इधर उधर का मूवी मत देखिए, प्रभु का वचन सुनिए, आपको आशीष मिलेगी, आप अधिक प्रभु के लिए बलवंत होते जाओगे। सो प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह।